अरे यार नूब लब लग गई फिर से। नूब लब भी महीने से होता है। ओले नूब लब लग रहा है। ओले ओले अरे क्राउन वाले हो क्या तुम? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आखिरकार सोलो रैंक पुश गेम प्ले लेके आए गए। और ये कोई मामूली साधारण सामान्य गेम प्ले बिल्कुल भी नहीं, ये एक असाधारण गेम प्ले। और मतलब कि एशिया रैंक टॉप 100 में एंट्री करने के बाद मैंने सोचा भाई एक वीडियो बनाया जाए, और ये वही वीडियो है। और इतनी ज़्यादा खुशी हो गई थी मुझे कि भाई मैं लैंड कहाँ करूँ, तो मुझे ये जगह बहुत बढ़िया लगी। और ये शेक तो मतलब बहुत ज़्यादा लूट मिलने की उम्मीद थी, नहीं मिली। तो इसके छोटे भाई छोटे शेक में मुझे यूज़ ही मिल जाती है। अब तो भाई कोई भी माई का लाल हमारे सामने टिक नहीं सकता। तो अभी हमको भाई एक गाड़ी ढूंढनी पड़ेगी। और मैं नज़रें दौड़ा रहता इधर उधर, तो गाड़ी की जगह हमको दिख जाता है एक बोट जो कि भाई 10 किलोमीटर दूर था। मैंने कहा भाई इसके आसपास जाते हैं, अगर दूर से गोली चलाई तो कोई और ही हमें स्पॉट कर लेगा। मैंने भाई सबसे पहले तो इसके साथ मजाक करी थोड़ी बहुत, और ये बोट भाई मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। इसे एकदम सीरियस गेम प्ले चाहिए था, तो इसको एकदम सीरियस तरीके से किल कर देते और जो हमको चाहिए था वो मिल जाता है। मतलब एक सेकेंडरी गन और वेस्ट और दवाई। और तो भाई यहाँ पर हमको धूम मिल जाती है। अब इसको बैठ के मैं निकल लेता हूँ एक पान की मतलब कार की दुकान पे। और यहाँ हमको मिलने वाली है M24, और M24 तो मिल गई लेकिन अभी हमारे पास स्कोप नहीं है, तो उसी की तलाश में मैं आता हूँ ये वाले कंपाउंड पे। और यहाँ पे हम स्कोप नहीं मिलता है, मिलता है तो भाई गोलियाँ वो भी दूसरे बंदूक की। तो मैंने कहा भाई मैं आया ही क्यों यहाँ पे, मैं परेशान होकर भाई यहाँ से भी निकल लेता हूँ और आ जाता हूँ ये वाले कंपाउंड पे। अब यहाँ पे भी कोई हेवी लूट मेरा इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करती। यहाँ पे मुझे एक DP मिल जाती है, उसे चेंज करके मैं यहीं पे थोड़ी देर होल्ड करता हूँ जब तक अगला जोन बनता है। और स्कोप तो भूल जाओ, पूरे मैच में नहीं मिलने वाला वो। तो भाई यहाँ से मैं तीसरे जोन में निकलता हूँ, और देखो भाई यहाँ से क्या रोटेशन रहता है। क्योंकि भाई यासने में जोन बना था, और रोटेशन में अगर बीच में सीधा अंधाधुंध मारता ना तो लग सकते हैं अपने मतलब गाड़ी फूट सकते हैं, अपने को हेड लग सकते हैं, कुल मिला के अपन किल हो सकते हैं। तो मैंने बेहतर थोड़ा बहुत रोटेशन दिखा देता हूँ तुमको कि मैं इधर से कैसे निकला। और भाई रोटेशन भी कोई बताने वाली चीज़ है भाई, कुल मिला के भाई ये जो एरिया है ना स्कूल के, ये वाला रास्ता अपार्टमेंट स्कूल, और भाई बिल्कुल पॉपुलेटेड एरिया है। इधर एक ना एक कंपाउंड में बंदा मिल ही जाएगा। और देख लो भाई यहाँ तक निकल गया मैं यहाँ से इस एरिया से, और आ जाते हैं भाई इस मतलब यासने की बिल्डिंग्स की तरफ। तो भाई देखना यहाँ पर कैसे मैं मतलब देखता हूँ कि सारे बंदे इधर उधर गोलियाँ चला रहे हैं, और कैसे कौन सा कंपाउंड मैं चूज़ करता हूँ। तो भाई मुझे ये वाला कंपाउंड सही लगा क्योंकि इसके कलर बहुत अच्छा था, डिज़ाइन बहुत अच्छी थी, और यहाँ कुल मिला के बंदा नहीं था। अब यहाँ पर मुझे पीछे वाला एक जो बंदा था भाई कुछ ना कुछ गोलियाँ चला जा रहा था, वो दिक्कत कर सकता था। एक ग्रेनेड कर सकता था रिबाउंड करके विंडो से। तो मैंने भाई पोजीशन चेंज करी और देखता हूँ कि वो बंदा कहीं गलती कर रहा है या फिर नहीं कर रहा। मैं तुरंत मतलब बार बार अपना पोजीशन चेंज करके उसको मतलब बेवकूफ़ बना रहा था कि उसको लगे कि मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ, इधर उधर भाग ही जा रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है मुझे। तो एक बार ग्रेनेड पिन करा और जहाँ वो बंदा था भाई एग्जैक्ट वहीं पे मैंने ग्रेनेड करा। पता नहीं कैसे वो बंदा नहीं मरा, लेकिन अब वो बंदा भी बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गया। उसने भी भाई बमबारी शुरू कर दी, लेकिन उसे नहीं पता कि मैं जानता हूँ कि वो कहाँ ग्रेनेड करेगा। भाई यहाँ से अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल मैं सेफ था, मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी कि यहाँ से मुझे कोई मार पाएगा। और मैं जस्ट वेट कर रहा था अगले जोन्स बन जाएं, और तब तक मैं यहीं वेट करता रहता हूँ। और इतनी देर में यहाँ पर एक और बंदे मतलब कंपाउंड अगर जोन में तो भाई यहाँ पर पुश नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अभी आने वाले एक बंदे का पुश मतलब बाजू वाले कंपाउंड पे। अब देखो उस बंदे के साथ फाइट होएगी, वो भी बहुत तगड़ी। तो भाई ये फाइट इतनी तगड़ी इंटेंस फाइट थी ना, लेकिन मैंने इसको अवॉइड कर दिया एक ग्रेनेड करके। मैंने कहा भाई कौन मेहनत करे इतनी सारी, समझ रहे हो भाई ग्रेनेड बहुत ज़्यादा कैरी कराया करो और बहुत बमबारी कराया करो बंदों पे, कुछ ना कुछ तो कन्फ्यूज़न होगा ही बंदे को। और
देखो भाई अभी टाइम है यहाँ से निकलने का, क्योंकि भाई अगला जोन बन गया है। मुझे भाई जोन के अंदर होल्ड करने का बेहतर लगता है। जो बंदा इधर मतलब मेरे लिए दिक्कत था वो किसी और पे फायर कर रहा था, इसी का मैंने फ़ायदा उठाया। और ये देखो भाई एकदम पीछे कंपाउंड से इधर तुम सोच भी नहीं सकते गाड़ी निकालूंगा मैं। अब देखना भाई मैंने कैसे यहाँ से गाड़ी निकाली, मतलब फियरलेसली भाई, बिल्कुल इतना मतलब हेजिटेट मत होया करो कहाँ से कौन फायर मारेगा भाई, बिल्कुल फ्री माइंड से खेला करो। फिर रैंक पुश में बहुत डर डर के बंदे खेलते हैं। अभी फिलहाल तो अभी जोन के अंदर हम आ गए और प्लेयर व्लेयर मंगा रखे बंदों ने भाई, जिन जिन के पास भाई कंपाउंड नहीं ना वो इतने रोटेशन मार रहे हैं। और देखते जाओ भाई यहाँ से कुछ ज़्यादा वॉइस ओवर में मतलब कन्फ्यूजन पैदा नहीं करूँगा, जस्ट देखते जाओ भाई क्या क्या सीन हो रहे हैं। क्योंकि भाई एंड जोन इतना ज़्यादा इंटेंस होता है ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है भाई। सोलो खेलने वाले जानते हैं भाई कितना मज़ा आता है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ से जोन शिफ्ट हो जाता है हमसे, और भाई बना है तो 50-60 मीटर दूर, वो भी ओपन में। तो भाई ओपन में कैसे सर्वाइव करते हैं हम, और क्या होने वाला आगे गाइस देखना। अभी तो भाई बहुत सारे बंदे पहले से ही पोजीशन ले रखे हैं ओपन जोन में, तो भाई देखना यहाँ से बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इन दोनों बंदों की भाई जो फाइट हो रही थी उसके बीच में दोनों को ही किल कर दिया। और अंतिम जो बंदा था भाई मतलब पूरी तरीके से मुक्केबाज था वो। और भाई इन दोनों को लूटने के बाद हम ग्रोजा उठा लेते हैं, और मेरे को जरा सा भी ध्यान नहीं है कि सामने जो लकड़ी मतलब घास का गट्ठर है वहाँ पर एक बंदा प्रोन है। और मुझे स्पॉट तो होता है लेकिन एकदम जो स्मोक मैंने कर है उसके कारण एक्यूरेट में ग्रेनेड नहीं कर पाता हूँ। देखना भाई अभी अब ग्रेनेड मैंने इतने ज़्यादा कर दिए कि वो बंदे ने अपनी मतलब सुपर पावर यूज़ करके यहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने घर पे चला जाता है वो बंदा। मैं इतना ज़्यादा डेस्परेट था भाई उस बंदे को मारने के लिए, इतने ज़्यादा ग्रेनेड कर दिए मैंने। अब मेरे पास इतने ज़्यादा स्मोक थे कि मैं इनको पाने की तरफ आ सकता था, जितने मेरे पास अवेलेबल थे सारे के सारे मैं कर देता हूँ। अब जैसे ही इस खड्डे में आके रोकता हूँ तो मेरे पे फायर आता भाई दो बंदों का। अब सामने वाले बंदे ने बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया, तो मैंने कहा सबसे पहले इसको निपटा जाए। इसको ग्रेनेड से फोड़ने के बाद सामने भाई ये जो एरिया ओपन था यहाँ से अगर कोई बंदा मुझे स्पॉट कर सके इसलिए मैं स्मोक कर देता हूँ। और अब देखो भाई क्या सीन होने वाला है।
अब यहाँ पे मैं अपनी गलती से मारा जाता हूँ। मुझे लगा भाई मैंने ग्रेनेड से मारा है, बंदे को ज़रा सा भी मतलब थोड़ी बहुत तो लोकेशन का कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन इसे पता था कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं इसको ढील देता हूँ। मुझे लगा ये बंदा अप्रोच कर रहा भाई जोन के अंदर, तो इसको इजी किल कर सकता हूँ, लेकिन मारे गए हम। तो भाई कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चलो यार बाय।